येथील नगर परिषद शाळेत दिनांक 2 फेब्रुवारी रोजी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमामध्ये बालवाडी ते इयत्ता 7वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी अत्यंत स्फूर्तीने सहभाग नोंदविला. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून मधुकर ठाकरे हे होते. सौ सुनीता चिल्लरवार यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून यासिन नगानी, नगरसेवक नूर खान, सय्यद मुजफ्फर, मुख्याध्यापक अब्दुल कयूम उपस्थित होते. यावेळी आर्णी शहरातील सायमा अक्रम खान हिचा निबंध स्पर्धेत भारतातून 3रा क्रमांक प्राप्त केल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. यावेळी आमच्या प्रतिनिधींनी शाळेचे मुख्याध्यापक अब्दुल कयूम यांच्याशी संवाद साधला. आपके स्कूल में जो प्रोग्राम लिया गया है कितने सालों से? हम लोग जिला परिषद से नगर पालिका में 2012 में समायोजित हुए. 2012 से हम लोग मुतवातिर ये कल्चरल प्रोग्राम ले रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की हौसला अफजाई हो रही है और पट संख्या बढ़ रही है, एडमिशन बढ़ते हैं ऐसे कल्चरल प्रोग्राम से और बच्चों की डेयरिंग बढ़ती है. और क्या क्या प्रोग्राम लेते हैं आप इसमें? हम सबसे पहले खेल लेते हैं, बच्चों के खेल लेते हैं, बच्चों के खेलों के बाद कल्चरल प्रोग्राम और परसों के रोज 4 तारीख को हमारा फूड फेस्टिवल है. इसके बाद हम स्कॉलरशिप की क्लासेस लेंगे. स्कॉलरशिप के क्वेश्चन में बच्चों को तैयार किए करेंगे 5वीं की. और हमारे स्कूल में 2015 में 2 बच्चे स्कॉलरशिप पात्र हुई है 7वीं जमात में. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सलीम सर यांनी केले तर प्रस्तावना फारूक यांनी केली. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी श्रीमती अंजुम, श्रीमती नुसरत, जाहिद नियाजी, विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जाफर शेख, स्टार न्यूज, आर्णी.